रीवा में पत्रकारिता की आड़ में बेच रहा था नशा। दिल्ली से आई 10 लाख की कोरिक्स को पुलिस ने आधे घंटे में पकड़ा। कृष्णा मेडिकल गोविंदगढ़ का भी नाम आया। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। देश दुनिया में कोरिक्स के लिए बदनाम रीवा जिले में नशे की कारोबारी तस्करी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। यहाँ कई महीनों से रोड मार्ग की जगह कार्गो कुरियर सर्विस से खेप मंगाई जा रही है, फिर भी पुलिस अनजान थी। इस बीच 4 दिन पहले शिवम शिवराज सिंह चौहान ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया। ऐसे में रीवा SP नवदीप भसीन ने हेल्पलाइन 9479997171 मोबाइल नंबर जारी किया। साथ ही आम जनता से लेकर सामाजिक संगठनों की मदद से तस्करों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। 4 दिन से पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही थी कि 11 अक्टूबर की सुबह 9:30 बजे हेल्पलाइन नंबर की घंटी बजी। सर, मैं रीवा जिले से बोल रहा हूँ। पत्रकारिता की आड़ में नशा बेच रहे कोरिक्स तस्कर के संबंध में सूचना देने के लिए फोन किया। कृपया मेरा नाम गोपनीय रखा जाए। SP ने कहा कि खुलकर बताएं, आपका नाम व पता किसी को पता नहीं चलेगा। शिकायतकर्ता बोला, रावेंद्र कृष्ण यादव पुत्र राम निरंजन यादव 40 वर्ष निवासी चौराहा गोविंदगढ़ वार्ड क्रमांक 13 कृष्णा मेडिकल नाम से दुकान संचालित करता है। वह रोड मार्ग की जगह कार्गो कुरियर सर्विस से नशीले कफ सिरप कोरिक्स मंगवाता। पुलिस को खनक न लगे ऐसे में SPR कुरियर एवं कार्गो सर्विस को चुना, जिसका रीवा शहर से 12 किलोमीटर दूर लोही में ऑफिस है। वह पहले भी कई बार माल मंगा चुका है, सेटिंग में तगड़ा बंदा है, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। क्या आप कुछ करें? SP नवनीत भसीन ने DSP उमेश प्रजापति के नेतृत्व में टीम गठित कर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी SAP सिंह परिवहन को कार्रवाई के लिए भेजा। वहीं गोविंदगढ़ थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल को आरोपी के संबंध में सूचना देकर गिरफ्तारी के आदेश दिए। जब तस्कर सोकर जगह पुलिस बाहर खड़ी मिली। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।